नेपाल में तबाही का मॉनसून। रील का चक्कर, कड़कती बिजली से टक्कर। कानपुर में सीवर के ढक्कन का नागिन डांस। कहीं गिरे मकान, कहीं आफत में जान। पड़ोसी देश नेपाल में मॉनसून ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारी बारिश के बीच नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात ये हैं कि वहां के पहाड़ी इलाकों के रास्तों में भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से संकरे पहाड़ी रास्तों को लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर दिखे। तो वही लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। आमतौर पर नेपाल में मॉनसून 13 जून को आता है और 23 सितंबर तक रहता है, यानी अभी तो नेपाल में बारिश अपने शुरुआती दौर में है और अगले 3 महीने तक वहां लगातार बारिश होना बाकी है। लेकिन नेपाल में अभी से हालात इतने बदतर दिखाई दे रहे हैं कि हर दिन बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से नेपाल में लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। बिहार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी। दरअसल मॉनसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंच गई। जैसे ही उस लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां धमाकेदार आवाज के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो लड़की डर कर वहां से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं आम हैं, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बिजली गिरने की घटना के वक्त छत पर वीडियो बना रही वो लड़की भी बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस जगह पर वो वीडियो बना रही थी, आसमानी बिजली उससे चंद कदम की दूरी पर ही गिरती दिखाई दी, यानी उस लड़की को मौत मानो छू कर निकल गई। ऐसे ही बिजली गिरने से सीतामढ़ी में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बात दिल्ली NCR और UP की करें तो बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, कानपुर में बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। लेकिन अमरोहा में मॉनसून की पहली बारिश से एक मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसमें 3 बच्चियां घायल हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बच्चियों को बाहर निकाला। कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। एक स्कूटी सवार काफी दूर होने के बाद भी और दूर जाने की कोशिश करता दिख रहा है। मामला कचहरी के पास का बताया जा रहा है। दरअसल कानपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति भी है। इसी बीच सड़क पर मेन होल के ढक्कन का डांस कौतूहल बन गया। जल निगम का मानना है कि गहरी सीवर लाइन में भरी गैस के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा।